नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं संजीव। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का तांडव जारी। अब तक 92 लोगों की हुई मौत। मुजफ्फरपुर रेप केस में एक मिस्ट्री वुमन मधु का नाम आया सामने। इसके सीने में दफन है ब्रजेश ठाकुर के कई राज। पटना में देखा तेज प्रताप का शिव अवतार। त्रिशूल और डमरू लिए बाबा धाम देवघर के लिए हुए रवाना। NCR मामले पर बोली मायावती, देश में पैदा हो रही है नई उन्मादी समस्या। तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। यूपी में नौकरशाही सुधारने के लिए कई बार नसीहत और चेतावनी दे चुकी है योगी सरकार। अब 100 से ज्यादा दागी अफसरों पर कार्रवाई के लिए सीएम योगी ने तलब की फाइल। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर में राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद। सितंबर महीने से सब विधानसभा चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। झारखंड के जमशेदपुर में मानगो दुष्कर्म मामले में CID जांच के आदेश। पीड़िता ने CM को सुनाई पीड़ा। असम NCR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नागरिकता साबित करने के लिए सबको मिले समान अवसर। RSS असम प्रचार प्रमुख बोले, भारत धर्मशाला नहीं, पूरे देश में लागू होनी चाहिए NRC। प्रधानमंत्री ने सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। PM ने कहा, वह कांग्रेस के आभारी, जिसकी वजह से विपक्ष का खोखलापन आया सामने। पाकिस्तान में शपथ समारोह में PM मोदी को इनवाइट करने की तैयारी में है इमरान खान। ईरानी राष्ट्रपति रूहानी से बिना शर्त मुलाकात को तैयार है ट्रंप। व्हाइट हाउस में इटली के प्रधानमंत्री यूसेप पोंते के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही यह बातें। 15 साल के बाद आज आसमान में दिखेगा अनोखा नजारा। पृथ्वी के सबसे पास होगा मंगल ग्रह। फिल्म गोल्ड के प्रमोशन के दौरान अक्षय के साथ पोज देती नजर आई है मौनी रॉय। तस्वीरें आई सामने। 8 साल के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय एक साथ आएंगे पर्दे पर नजर। फिल्म का नाम होगा गुलाब जामुन। किशोर कुमार की बायोपिक में लीड रोल करना चाहते हैं आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक फिल्मों का चल रहा है दौर। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में एक साथ एक्शन सेंस करते नजर आने वाले हैं टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन। आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म डंग्स ऑफ हिंदुस्तान ने सबसे महंगे आउटडोर सूट के साथ बनाया रिकॉर्ड। इस साल की दिवाली यादगार बनाने की है तैयारी। शकीला की बायोपिक में दिखेंगे अभिनेता पंकज त्रिपाठी। 1990 के दशक की मलयालम फिल्म अभिनेत्री शकीला के जीवन पर आधारित है फिल्म। स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 में एडमिशन लेने की बढ़ी डेट, अब 10 मई को रिलीज होगी यह फिल्म। 8GB रैम और 5000 mAh बैटरी के साथ हॉनर नोट 10 हुआ लॉन्च। फीचर्स कमाल के हैं। मारुति सुजुकी ने शुरू की है सियाज फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू। 7.82 लाख होगी शुरुआती कीमत। आइडिया के बाद एयरटेल ने भी लॉन्च किया ₹75 का कॉलिंग और डेटा प्लान। ई कॉमर्स कंपनी पर लगेगा लगाम। केंद्र गवर्नमेंट जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बड़ा डिस्काउंट पाने की चाहत रखने वाले उपभोक्ताओं पर कसेगी नकेल। फिलहाल फटाफट खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।